सूबे में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक आपके बैंक खातों से लेन देन पर चुनाव विभाग की पैनी नजर रहेगी। किसी भी खाता धारक द्वारा रोजाना 1 लाख से अधिक की ट्रांजैक्शन करने पर बैंकों को तत्काल इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। चुनाव खर्च को लेकर निर्वाचन विभाग ने बैंकर्स तथा डाकघर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बैंक व डाकघर अधिकारियों को 1 लाख रुपए से अधिक की असाधारण तथा संदेहास्पद नकदी की निकासी या नकद जमा करने पर दैनिक रिपोर्ट देने को कहा गया। चुनाव खर्च को लेकर निर्वाचन विभाग ने बैंकर्स तथा डाकघर के अधिकारियों के साथ बैठक की। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास सूद ने कहा कि यह चुनाव पारदर्शी ढंग से करवाए जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को धनबल की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह देखते हुए यदि किसी उम्मीदवार, उसके रिश्तेदार, आश्रित व पार्टी के बैंक खातों में 1 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन होती है तो उस सूरत में संबंधित व्यक्ति को पैसे की निकासी या जमा करने का पुख्ता कारण बताना होगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक के संदेहास्पद लेन देन की सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी के लिए देनी होगी। बैंकों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि आउटसोर्स्ड कंपनी की नकद पैनों में बैंकों द्वारा जारी की गई नकदी की जानकारी के दस्तावेज हों तथा नकदी वैन में बैंक के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष के व्यक्तियों की नकदी न हो। नकदी वैन के साथ आउटसोर्स्ड कंपनी के कर्मियों के पास संबंधित एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।